जो एनडी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो मोहब्बत में पहले ही गिर चुके होते हैं यूनिफॉर्म के साथ। उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि तनख्वाह कितनी होती है, उनको ये समझ में आ रहा होता है कि जिंदगी कैसे जीनी होती है। ये खास बात होती है उन लोगों की जो एनडी की तैयारी कर रहे होते हैं। बिकॉज वंस यू आर 21 एज काइंड ऑफ गाय, तब बहुत कुछ दिमाग में चलता है भाई। तनख्वाह भी होनी चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, सब होने चाहिए। बट दैट गाय हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, उसको बस वो लाइफ चाहिए होती है। एंड दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। बट यहाँ तक पहुंचने की कहानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। 28th को ये वीडियो आ रही है, आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा इसका थंबनेल। ये वीडियो जरूर देखना, काम की आएगी। बट मैं उससे पहले कई बातें आपको बताना चाहता हूँ। ये वो समय होता है जो आप सबसे ज्यादा बर्बाद कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट टू लुक कूल, वॉट इज कूल, आपके दिमाग में ऐसा बस चुका होता है कि यार ये कर लूंगा तो कूल हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा तो वो कूल हो जाऊंगा। नो, इट्स टाइम टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, बिकॉज जो रिजल्ट आपको एनडीए एग्जाम के बाद मिलेगा, दैट्स मोर कूलर देन एनीथिंग एल्स। वेदर गेटिंग अ गर्लफ्रेंड, ये एज बड़ी ऐसी होती है, सब लोगों को गर्लफ्रेंड बड़ी चाहिए होती है, ठीक है। लड़की को लगा होता है एक बंदा ऐसा चाहिए होता ढंग का, ठीक है, जिसकी थोड़ी सॉलिड रेपुटेशन हो। सो ये मौका आपको नहीं गंवाना, समय का ढंग से इस्तेमाल करो, क्योंकि दिस कूलर थिंग व्हेन यू वियर द यूनिफॉर्म विल बी मोर कूलर देन एनीथिंग व्हिच यू हैव सीन। ट्रस्ट मी, जब एनडी की ट्रेन में चढ़ते हैं ना, वो अलग ही फील होती है। मैंने अपने दोस्त को देखा था, मैंने कहा यार तू है जिंदगी ऐसे काटने वाला, और लिटरली वो जिंदगी अलग ही होती है। यू हैव अ सेफ करियर, प्लस यू आर एंजॉइंग द लाइफ, प्लस यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ, प्लस यू डू नॉट हैव टू वरी एनीथिंग अदर देन टू हैव अ ग्रेट लाइफ, अ ग्रेट टाइम विद योर बडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट अब मैं कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूँ जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब आप एनडी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मेक श्योर ये करना है कि आपका प्रॉपर एक शेड्यूल डिसिप्लिन मैनर में हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप डिसिप्लिन मैनर में हो रहे हैं तो आप मैक्सिमम टाइम स्कूल या ट्यूशन में ना बिता रहे हो, अगर आप 10th या 11th में हैं तो। क्योंकि अगर आप बिता रहे हैं तो आप ज्यादा टाइम अपनी किताब के साथ बिता रहे हैं, या आप सिर्फ दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं सिर्फ अकेडमिक नॉलेज के लिए, और ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये फेलियर मैंने भी किया था व्हेन आई वाज इन 10th 11th, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड मी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई ये टाइम पढ़ने का है, पर यही टाइम आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ का भी है। और एनडीए एग्जाम में रिटन क्वालिफाई करने के बाद पर्सनालिटी ग्रोथ पे ही काम होता है, पर्सनालिटी पे ही बात होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी वेन यू आर इन योर 10th 11th 12th। और इस पर ही ये वीडियो आ रही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, 28th of Feb 9 PM। सो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव टू वॉच दिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी की बात करनी है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जब घर में बैठे होते हैं लॉकडाउन में, तुमने नोटिस किया होगा उठने की टाइमिंग बिगड़ जाती है और रात में जगने की टाइमिंग ज्यादा हो जाती है। बिग प्रॉब्लम, यू डू नॉट हैव अ डिसिप्लिन शेड्यूल एंड विच for sure going to give your life a miserable tomorrow, a miserable life for sure। ये बात तय है, आपको अभी वैसा महसूस नहीं हो रही होगी, but right now where I am at the age of 25, I can understand this thing कि शायद अगर मैंने नहीं की होती तो मैं बेटर होता, क्योंकि मुझे ये डिसिप्लिन लाना पड़ा, आज की तारीख में लाना पड़ा टू गेट समथिंग, एंड यू हैव टू डू द सेम टू गेट समथिंग। एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसे आप कूल कहते हो ना, वो कूल चीज आपको यूनिफॉर्म में मिलेगी, एंड दैट कूल थिंग इज मोर कूलर देन एनी अदर थिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। अगली बात, आपके मम्मी पापा कहेंगे फॉर श्योर, उनके लिए थोड़ा सुनना, थोड़ा समझना मुश्किल होगा कि कोचिंग में इतना समय दे रहा हूं मैं, कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ समय दे रहा हूं, तो वो खुद कहेंगे 2 साल ही तो देने हैं, 2 साल ही तो देने हैं इस पढ़ाई को, उसके बाद क्या है। आपको उन्हें समझाना पड़ेगा 2 साल में मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की हो रही है, मतलब मैं सिर्फ रट्टा मार के अंदर घुसा रहा हूँ, वो जरूरी है क्योंकि मुझे एग्जाम क्वालिफाई भी करने हैं। बट अगर मैं टीम स्पोर्ट्स, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, प्लस कहीं ना कोई किताब रीड करने में या कोई ऐसी मूवी देखने में नहीं बिताऊंगा जो मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ कर रही है, फॉर श्योर आई एम गोना मेक अ वेरी वीक पर्सनैलिटी। मुझे अगर स्ट्रेस से डील करना नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत है। मुझे ये नहीं आता कि टीम के साथ काम करना कैसे है, बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे अगर ये नहीं आता है कि इन द लो टाइम, जब आपका सबसे लो टाइम चल रहा होता है, वहां से उठ के कैसे आना है, बहुत बड़ी दिक्कत है।
ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, ये आपको एकेडमिक नॉलेज की किताब में नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन सब में नहीं मिलेगी। अगर आप 10th 11th में हो सो मेक श्योर यू हिट लाइक ऑन दिस वीडियो, 200 लाइक कर दो, और मेक श्योर आप जरूर एक काम करेंगे कि आप अपने सवाल जरूर पूछेंगे। 10वीं 11वीं में बहुत सारे सवाल आते हैं, डर के ऊपर सवाल आते हैं, घबराहट होती है, होगा कि नहीं होगा उस पर होते हैं, आपकी अकेडमिक्स के रिगार्डिंग होते हैं, आपके यू नो सोर्स के रिगार्डिंग होते हैं, कहां से पढ़ना है, जो भी है उसको पूछो। लेट मी टेल यू वन थिंग जो शायद आप किसी डिस्कस नहीं करते, पॉर्न बैन है, सर्च करने पर नहीं मिलती होगी ना साइंस, बट यू नो हाउ टू एक्सेस इट राइट। यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द सोशल मीडिया, नहीं यकीन आता, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में दोनों में ऑप्शन होता है, कैसे आप चेक कर सकते हो कितना समय बर्बाद किया। दोनों में आपको 4 से 5 घंटे जरूर मिलेंगे, मतलब 9 घंटे बर्बाद कर दिए, तो आप सोचो उन 9 घंटे को क्या कर रहे थे। इनफैक्ट अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो जरा रिकॉल बैक करो, मैंने आज पूरा दिन कैसे इस्तेमाल किया, यू विल नॉट फाइंड स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या किया। ये बड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं कर रहा जो आपको दिक्कत आती है। अगर आप चाहते हो एनोनिमसली आप अपना कमेंट डाल सकते हो, एंड वी विल चेक एंड आई विल हेल्प यू आउट। आई अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज मैं भी उससे गुजरा हूं, और आई वॉज अ मीडियोकर गाय, लिविंग राइट नाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ राइट नाउ एंड वर्किंग हार्ड टू लिविंग मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ राइट नाउ टुवर्ड्स द यूनिफॉर्म। एंड आई सेम वांट फ्रॉम यू कि आप मेहनत करें, एनडीए इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। आप में से सभी लोग ये काबिलियत रखते हैं कि आप यूनिफॉर्म पाएंगे, सो मेक श्योर ऑन 20th Feb 9 PM आप इस वीडियो को देखें, 200 लाइक का हिट दें, एंड उस समय आए जब ये वीडियो आ रही है, इसका लिंक यहां पर है, मेक श्योर यू हिट राइट नाउ। पगों के निशान।